जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत शिवराजपुर में बना टोल टैक्स अक्सर विवादों में रहता है। फिर से एक बार ये टोल टैक्स विवादों में घिर गया है। टैक्स मैनेजर पंकज दुबे की दबंगई भी सामने आई है, जिसमें हलदुआ गांव के निवासी पीड़ितों ने मैनेजर के खिलाफ में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि हलदुआ गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार टोल टैक्स के बाबरखेड़ा मार्ग पर बैरिकेड लगाकर वाहनों को रोकने का काम करता है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, ये दो दिन पुरानी घटना है। इसमें एक धर्मेंद्र कुमार हैं जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कुंडा थाने में, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि टोल टैक्स पे जो मैनेजर हैं पंकज दुबे, इनके द्वारा इनको कॉल किया गया और इन्होंने इनके साथ काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इनको गालियाँ भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर कुछ अलग से अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। हमारे भाई हैं टिटू भाई, ये टोल पर काम करते थे, बैरिकेडिंग का काम, जो कि टोल के द्वारा जो टोल जिस कंपनी के पास टोल है उसने ग्राम हल्दो छाव में और बाबरखेड़ा में बैरिकेडिंग लगाने का काम किया था और 10-11 दिन शायद इनकी बैरिकेडिंग लगी है। और बैरिकेडिंग जो टोल के मैनेजर हैं उसने बैरिकेडिंग हटाई है, तो हमने इसे कहा कि हमारे वेतन दो, बोलते गाँव को उठा के लाओ नहीं तो बंद करो, और हमें जान से हमारी धमकी दी। रात में एक बजे हमारे घर पहुँचे हैं, अपना पंकज दुबे जी हैं, अपने टोल प्लाजा के मैनेजर हैं पंकज दुबे, इन्होंने लगाया था बैरिकेटर, इन्होंने बोला कि और चलाना है तो रात में कोई गांव की ओर उठा के लाओ। वहीं अपने निजी स्वार्थ के चलते ये गांव के जो बेचारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो यहाँ पर अपनी नौकरी और अपना करके और अपने परिवार का जो है जीविकोपार्जन करते थे, उनसे ये टोल मैनेजर द्वारा तमाम तरह की जो है जिसे कहते हैं एक अपनी शारीरिक संतुष्टि मिटाने की डिमांड की जाती है। और वहीं इस टोल प्लाजा के मैनेजर पंकज दुबे ने, अपने एक टोल कर्मी से ये कहा कि गांव हल्दुआ शाहू से अगर तुम्हें टोल पर काम करना है तो किसी महिला को लाकर मेरी सेवा में पेश करो।